महंगाई उंगाई कोई कम नहीं हुआ है, केवल जुमला है इनका। बहुत दिक्कत हो रही है, डेली का डेली तेल बढ़ रहा है। कहाँ से लेकर आएंगे इतना पैसा? मजबूरी है, बनाना पड़ रहा, नहीं तो जो है बिल्कुल ही ना बनाया। इतनी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं, क्या बोला जाए इसके बारे में? कार पहले चिल्लाती थी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अब वही सरकार फिर से बढ़ा रही है, कुछ नहीं कर रही है इसके लिए। बहुत परेशान है जनता, मैं भी साथी हूँ। इस प्रकार से तो मुश्किल लग रहा है और आम आदमी जीवन तो एकदम हम नरक समझो। जी हाँ, तेल का खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। बात होगी आज सियासत के तेल के खेल की। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। जब से कर्नाटक में चुनाव हुए हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छूने लगी है। अब तो डर इस बात का है कि कहीं पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार ना पहुंच जाए। डीजल भी पेट्रोल के लक्ष्य कदम पर चल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ये कीमत कहां जाकर रुकेगी। कंपनी तेल के दाम तय करती है, इस बहाने की आड़ में सरकार अपनी नाकामयाबी आखिरकार क्यों छुपा रही है? आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आखिरकार कर्नाटक चुनाव के बाद किस तरह से कीमत लगातार बढ़ी है। और अब जो रेट है, यानी कि सोमवार का रेट है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हर शहर का आंकड़ा आपके सामने है। लेकिन मुद्दे की बात में आज का सबसे पहला सवाल यह कि क्या 100 के पार जाएगा पेट्रोल का दाम। सवाल यह भी कि क्या सरकार चुनाव के हिसाब से तय करवाती है पेट्रोल के दाम। मुद्दे की बात का तीसरा और अहम सवाल यह कि तेल की कीमतों पर लगाम लगाने में क्या फेल हुई मोदी सरकार, और दाम कंपनियां तय करती हैं यह सिर्फ एक बहाना है। सवाल यह भी कि सरकार टैक्स घटाकर नहीं दे सकती लोगों को राहत, और क्या पेट्रोल बिगाड़ेगा 2019 का खेल। तो चलिए मुद्दे की बात आज इन्हीं सवालों पर। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, ऐसे नहीं पूरी ताकत से बताइए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? तो क्या नसीब आज बदल गया है जनाब? जी, कल तक जिस तेल की कीमत को लेकर अपने नसीब की दुहाई देने वाली मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान जब पेट्रोल की कीमत ने नया रिकॉर्ड बनाया, तो 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान दिया पीएम साहब का बयान याद आया। बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? वैसे मसला आवाम की बदनसीबी का है या मजबूरी का, सवाल ये नहीं, मगर हकीकत ये है कि आज पेट्रोल कीमतों में लगी आग सियासत को सुलगा रही है। जरा याद कीजिए 2014 लोकसभा चुनाव से पहले वो नारों का शोर, जब बीजेपी ने देश को पोस्टरों से पाट दिया था। बहुत हुई जनता पर डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तब आवाम भी महंगाई की मार से त्रस्त थी, कारण वही थे जो आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गिरा रहे हैं। तब की सरकार के बस में भी नहीं था, आज की सरकार के बूते में भी नहीं, मगर सियासत तब भी मजबूर थी, आज भी मजबूर है। हमारे देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है,
और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। विशेष करके मध्यवित और निम्न मध्यवित गरीब परिवार को ये प्रकार तेल दाम कष्ट दौर गुड़िया विषय आम हाथ में न था। अंतर्जातिक स्तर में दुई तीन घटना जो भाई आम उल्लेख करली, ओपेक देश समूह उत्पादन कम करिवार निष्पत्ति। नसीब वाले पीएम साहब आज जनता पेट्रोल डलवाते वक्त अपने नसीब को कोस रही है। महंगाई की मार से त्रस्त आपके प्यारे देशवासी परेशान है, हैरान है और आकलन इस बात को लेकर हो रहा है। इस सरकार में पेट्रोल क्या सैकड़ा मारेगा? दिलचस्प किस्सा सुनिए। जिस सरकार के बूते तेल का दाम तय करना नहीं, मगर चुनाव के वक्त वही सरकार के बूते में आ जाता है। हाल ही में कर्नाटक चुनाव का कनेक्शन भी इन्हीं दामों से गणित को उलझाए हुए है। 24 अप्रैल से तेल के दाम नहीं बढ़े और बेंगलुरु में दिल्ली के साथ साथ देश के ज्यादातर शहरों में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। याद होगा आपको कि जब 17 जून 2017 से तेल कीमतों को हर दिन समीक्षा के आधार पर आंका जाना था और उसी आधार पर दाम ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ जब तेल के दामों में करीब दो हफ्ते तक कोई बदलाव नहीं देखा गया। हाँ, इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पेट्रोल महंगा जरूर हुआ, लेकिन भारत में इसका कोई असर नहीं दिखा, जबकि घरेलू रिटेल में कीमतें तय करने में ये एक बड़ा फैक्टर होता है, मगर चुनाव की मजबूरी में कीमत पर शायद कोई असर नहीं पड़ा। कहानी कर्नाटक के चुनाव तक सीमित नहीं है। पिछले साल गुजरात चुनाव से पहले सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 15 दिन तक लगातार 1-3 पैसे की कटौती की थी। गुजरात में पिछले साल 14 दिसंबर को विधानसभा चुनाव हुए थे। इससे पहले अक्टूबर में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भी 2 रुपए की कटौती की थी। यानी 12 मई को कर्नाटक में वोटिंग खत्म होने और नतीजे आने के बाद तेल की कीमतों में उछाल की भविष्यवाणी सही और सटीक साबित हुई। हैरान करने वाली बात यह है कि कर्नाटक चुनाव से 19 दिन पहले से कीमतों में उतार चढ़ाव पर लगी रोक 14 मई को खत्म हुई और तब से लेकर अब तक 8 दिनों में कीमतों में लगातार इजाफा जारी है। फिलहाल पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम रफ्तार पर हैं और जनता लाचार है, मगर सवाल ये कि क्या वाकई में पेट्रोल के दाम चुनाव के कनेक्शन से तय होते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। इस तेल के खेल को हम आपको गहराई से समझाएंगे, दिखाएंगे भी। आज मुद्दे की बात में हमारे साथ दो दो एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सरकार के लिए कितनी बड़ी मजबूरी है। आपको बता दें कि मुद्दे की बात में जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सैफ खान कांग्रेस की ओर से जुड़ेंगे, साथ साथ ए के मिश्रा हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, जो कि ये दोनों मेहमान हमारे साथ नोएडा से जुड़ेंगे। लखनऊ से आपको बता दें कि नवीन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी की ओर से। अबास अली जैदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। साथ साथ प्रोफेसर अरविंद अवस्थी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। ये सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको गहराई से कहानी को समझाएं और फिर उसके बाद अपने मेहमानों की ओर रुख करेंगे। आपको बताते हैं कि सबसे पहले ये पेट्रोल की बात होती है तो पेट्रोल बनता कैसे है। दरअसल पेट्रोल धरती के नीचे से निकलता है और जिस कच्चे तेल, जिसे कच्चा तेल भी कहते हैं, और दुनिया की राजनीति इसी पर टिकी हुई है, अर्थव्यवस्था भी। अरब देशों में सबसे ज्यादा ये ऑयल तेल निकलता है और फिर ऑयल टैंकर से इसे तमाम जगहों पर भेजा जाता है। दूसरे देशों में कच्चा तेल रिफाइनरी में पहुंचता है। अब कच्चे तेल से क्या क्या बनता है वो भी समझिए। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन, इसके साथ साथ कोलतार रिफाइनरी होने के बाद ये तमाम चीजें जो पेट्रोल से बनती हैं, ताकि आप गहराई से चीजों को समझ पाएं कि ये पेट्रोल का मतलब है क्या, किस तरह से ये आपकी जेब पर सीधे तौर पर असर डालता है।
ये तमाम पहलू आपको समझने जरूरी होंगे। अब ऑयल टैंकर के माध्यम से पेट्रोल पंप तक इसे पहुंचता है, जो आप देखते होंगे एक टैंक बना होता है। कैसे तय होता है पेट्रोल का दाम, आप वो भी समझिए। रिफाइनरी से खरीदने का दाम होता है मार्केटिंग मार्जिन, और उसके बाद इसका खर्च लगाया जाता है। सेंट्रल टैक्स होता है, डीलर तक ये पहुंचता है और वो वहां पर कमीशन लगाता है। लोकल वैट होता है, सेस होता है। ये तमाम पहलू हम आपको बता रहे हैं और लगभग 120% के आसपास ये टैक्स पहुंच जाता है, यानी कि जो कीमत है उसके ऊपर। पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1.89 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ चुके हैं, और एक हफ्ते में पेट्रोल के दाम में 1.62 रुपए की वृद्धि हुई है या बढ़ा है। डीजल के दाम 1.64 रुपए जो है प्रति लीटर बढ़े हैं। अब एक और आंकड़ा देखिए, यह आंकड़ा भी कई सवाल खड़े करेगा, क्योंकि सोमवार को पेट्रोल पर 33 पैसे और डीजल पर 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई, और दिल्ली में पेट्रोल अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया 76.57 रुपए प्रति लीटर। वहीं डीजल के दाम भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। ये आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, और कच्चे तेल की वजह से बताया जा रहा है कि कीमतें बढ़ी हैं। बीते करीब 4 हफ्ते में अंतरराष्ट्रीय बाजार में ये कीमत बढ़ने की बात सामने आई है। नवंबर 2014 से 2016 के बीच में कच्चा तेल सस्ता होते हुए भी घरेलू बाजारों में तेल के दाम नहीं घटाए गए थे, क्योंकि सरकार ने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और खूब राजस्व भी हासिल किया। आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 के दौरान तेल पर एक्साइज ड्यूटी से सरकार को 72 लाख रुपए बताया जा रहा है कि ये मिले, और 2014-15 में 99,000 करोड़ रुपए की तुलना में ये दुगना था। ये पूरी की पूरी कहानी अब आपके सामने है। आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल दरअसल ये तेल का खेल आखिर है क्या। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैफ खान जुड़े हैं कांग्रेस की ओर से, एके मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट है, नवीन श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से, अबाज अली जैदी साहब जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, प्रोफेसर अरविंद अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख हम बीजेपी के पास करना चाहेंगे। नवीन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, आपकी आवाज हमारे तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन जो कहानी और आंकड़ों का जिक्र हमने किया है आपके सामने, वो गहराई को हमें समझना होगा। मैं कोशिश करूंगा नवीन जी आपके पास आने की, क्योंकि आप तक मेरी आवाज, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं कोशिश करूंगा दोबारा। पहले शुरुआत एके मिश्रा साहब आपके साथ करना चाहूंगा मैं जी। सर, ये कीमत बढ़ रही है और सरकार दुहाई दे रही है, लेकिन ये जो आंकड़े हमने रखे, इसके पीछे छिपी कहानी क्या है? देखिए चावला जी, मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था, और जो आपने आंकड़े रखे हैं वो सही है। सबसे पहले ये समझ ले कि जो हमारा देश है और जो ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें सरकार का सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वो ये होता है कि जनता हमेशा ऊपर रहती है, और जहाँ तक संभव हो सके, जब तक अल्टीमेट मजबूरी ना आ जाए, जनता को राहत दिया जाए, उनके ऊपर बोझ न पड़ने दिया जाए। दूसरी चीज़ अगर ये देखें तो पेट्रोल या पेट्रोकेमिकल के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, केवल इंडियन पॉलिटिक्स में ही नहीं, ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस या महत्व तो रखते हैं। अब देखिए, बात यहाँ पे ये है कि पेट्रोल से जो गवर्नमेंट को इनकम होती है वो हमारे जीडीपी का 3.7% है। पेट्रोल की कीमतें जब कम थी तब भी गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, अब तो उनके पास ये बहाना मिल गया है कि ओपेक कंट्री ने बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि ये पेट्रोल की कीमतों में राहत क्यों नहीं दे रहे हैं, उसके 2-3 रीजन है। देखिए, बिना कुछ किए बैठे बिठाए गवर्नमेंट को अगर फर्स्ट हैंड राजस्व 3.7% ऑफ टोटल जीडीपी मिल जा रहा है, इन कंपैरिजन ऑफ अदर टैक्स कलेक्शंस के जो मीजर्स होते हैं, जो रिटर्न वगैरह फाइल किए जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्यों उस झंझट में पड़े? गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। आज की गवर्नमेंट दुहाई ये दे रही है कि जी हमें डेवलपमेंट करना है, मैं या वो ये भी बोलते हैं कि जी पिछली सरकारों ने राजस्व को एकदम खजाने को खाली कर दिया। मैं बोलना ये चाहता हूं कि भाई आप इतना पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हो नोटबंदी करके? जी पैसा आप अपने पास मत रखो, पेट्रोल पे, हर चीज पे आप टैक्स लगा के, सेस लगा के। एक सेकंड सर, एक मिनट सर, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। नवीन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप जी? हाँ
चलिए सर, आप शुरुआत सुनाई दे रही है आपको? हाँ सर, आप बिल्कुल सही आ रही है आवाज, तकनीकी दिक्कत थी उसके लिए माफी चाहूंगा मैं आपसे। चलिए सर शुरू करते हैं कि मिश्रा साहब को आपने सुना होगा, एक्सपर्ट हैं, इनकी अपनी दलीलें हैं, अपना लॉजिक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे, लेकिन उससे पहले आपने सुना था जो हमने सर एक रिपोर्ट चलाई थी, उम्मीद करता हूं वो भी आपने सुनी होगी। जी हाँ सर, इतिहास बड़ा क्रूर होता है सर, है ना सर? आपने कहा बहुत हुई जनता पर डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार भाजपा सरकार, याद आए सर नारे? जी निश्चित रूप से। अब क्या एमपी और राजस्थान के चुनाव के इंतजार करें सर, जब पेट्रोल के दाम रुक जाएंगे? नहीं नहीं, देखिए राजस्थान के चुनाव या किसी चुनाव से पेट्रोल और डीजल की कीमतों का नहीं, अभी मैं जो हमारे आर्थिक विशेषज्ञ महोदय बता रहे थे जिन चीजों को, देखिए अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम जब कम थे तो हमारे देश में क्या कीमतें थी, जब अधिक थे तब क्या कीमतें थी, यह एक अर्थशास्त्र का बहुत लंबा चौड़ा वो है। मुख्य रूप से यह है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो अपने अपने राज्य में जनता के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, कामों के लिए, जिस प्रकार के राजस्व के लिए की जरूरत होती है, उसके हिसाब से अलग अलग राज्यों में इसको अपना उन्होंने अलग अलग राजस्व रखे। अभी जब हमारी केंद्र की सरकार ने जीएसटी लागू करने का फैसला किया तो उसमें पेट्रोलियम पदार्थ उससे बाहर थे, लेकिन अभी जिसके वजह से अलग अलग राज्यों में उन पर अलग अलग टैक्स वसूले जा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से निश्चित रूप से हमारी सरकार और हमारी पार्टी चिंतित है। और अभी हम इस प्रयास में जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक हो उसके पहले नवीन जी हम उसको जीएसटी के अंतर्गत ले आके इसमें जो मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड मिश्रा जी आ रहा हूँ, वृद्धि के वजह से जो महंगाई है उसको हम कम कर सके, ये हमारी कोशिश है। नहीं नहीं नवीन जी, मैं आपकी बात दरअसल इसलिए नहीं समझ पा रहा हूँ, ये कौन सा फॉर्मूला होता है जब आप लोगों की बेबसी यहाँ पर दिखाई देती है? एक दूसरा फॉर्मूला होता है चुनाव के वक्त, 19 दिन तक कीमतें इधर से उधर नहीं हिलती, और ठीक चुनाव खत्म होता है तो उसके बाद का आंकड़ा आप देखेंगे तो ग्राफ डेली बढ़ता है। साहब ये तो समझा दीजिए ना कौन सा फॉर्मूला है सर, 14 मई को जो है वो चुनाव खत्म हुए तब से लेकर अब तक 8 दिनों में कीमतें लगातार बढ़ी है सर, लगातार बढ़ी है, इजाफा हुआ है, ये कौन सा फॉर्मूला है सर वो समझाइए। देखिए ऐसा है तिलक जी, इसमें कोई स्वीकार करना, देखिए सरकार राजनीतिक दल ही चलाते हैं और राजनीतिक दलों की अपनी कुछ प्रतिबद्धताएं भी होती हैं, कुछ मजबूरियां भी होती हैं। हमारा प्रयास और हमारी सरकारों का प्रयास ये है कि जनता के लिए हम क्या कर सकें। आप देखिए ठीक नहीं, नहीं, आप खुल के बोलिए, राजनीतिक फैसला था वो, अगर 19 दिन तक रेट नहीं बढ़ा पेट्रोल का, नहीं खुलकर बोलिए ना फिर आप, ये हमारा राजनीतिक स्टंट था, हमने इसलिए पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, कर्नाटक चुनाव था, गुजरात चुनाव था, इसलिए भी नहीं बढ़े थे। देखिए तिलक जी, मुख्य रूप से किसी भी सरकार या पार्टी का दायित्व तो है कि समाज का कल्याण, आप देखिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद सर आप लोगों के भाषण गंभीरता से जनता ले ना ले, नवीन श्रीवास्तव आप मुझे बताइए सर, आप लोगों के भाषण जनता गंभीरता से ले या ना ले? बिल्कुल गंभीरता से। देखिए नहीं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक मजबूरी, ये विश्व बैंक का कहना है सर, मूल्य सूचकांक आज देखिए न्यूनतम स्तर पे है, आज मुद्रास्फीति न्यूनतम दर पे है सर, जनता मुद्दे की बात बताइए, आपने चुनाव के वक्त कहा ये सारे सर वो नसीब कहां गया, छोड़िए बात सर वो नसीब कहां गया, नवीन श्रीवास्तव नसीब कहां गया, नसीब कहां गया, आप कहां गया वो नसीब? नसीब तो देखिए 6 राज्य से 21 राज्य में पहुंचे, 22वें राज्य में भी हमारे, हाँ यही आंकड़ा मैं सुनना चाह रहा था, और जिस टैक्स की दुहाई दे रहे थे उन्हीं राज्यों को बोलिए कि टैक्स कम करे, आप बोलेंगे नवीन श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से शुरुआत करिए, बोलिए योगी जी को टैक्स कम करे, बोलेंगे बोलिए। नहीं आपकी बात में जब दोबारा पहन मैं सुन नहीं पा रहे सर, आप जिस राज्यों के आंकड़ों की दुहाई दे रहे हैं कि हमारे पास इतने राज्य हैं, तो अपने राज्यों से बोलेंगे कि टैक्स कम कर दीजिए साहब, बोझ कम हो जाएगा, और शुरुआत करवाइए योगी सरकार से, बोलिए। निश्चित रूप से तिलक जी, हमारी सरकार इस पर यह चुकी है, एक बहुत गंभीर विषय है और इसके वजह से हमको परेशानियां भी हैं। अच्छा आप जागे हम इस पर बहुत जी निश्चित रूप से, इसके वजह से हमको बैकफुट पे आना पड़ रहा है, जनता से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है,
लेकिन हम आप इस पर विश्वास करें कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक के पहले इस विषय को ले आके हम निश्चित रूप से जो इसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में टैक्सों के वजह से जो वृद्धि है उसको हम कम करेंगे। सर आप आइए ना, याद अब तक तो याद आई नहीं, आंकड़े अब तक तो काबू करने की आपने हिम्मत ही नहीं थी, अब तक तो आप मजबूर थे, अब आप काबू कर लेंगे, पता नहीं कौन सी थ्योरी फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है सैफ खान अपनी बात रखिए, आ रहा हूं एके मिश्रा साहब आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया तिलक चावला जी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज के दिन जो है सच्चाई दुनिया के सामने लाने में आप और आपका चैनल जो है वो कामयाब रह रहा है। क्या आपने बताया सच्चाई ये बताई कि बीजेपी 9 times जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा चुकी है, जो एग्जैक्टली इस वक्त पर अगर मैं पर लीटर की अगर बात करूं तो 11.77 रुपीस पेट्रोल में जो है गवर्नमेंट जो है उसमें टैक्स में बचा रही है, डीजल में 13.47 जो है इतना पैसा जो है पर लीटर के लिहाज से ये गवर्नमेंट का पैसा है, जिसके लिहाज से 10,000 करोड़ अभी गवर्नमेंट का खजाना जो है इन टैक्सेशंस को जनता पे लगा के जो है लोग जो केंद्र सरकार है वो अपना भर चुकी है। अब हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बात कर रहे थे राज्य का कल्याण, स्टेट का कल्याण, केंद्र का कल्याण की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है, बढ़ाने में बड़ा एक्सपर्ट है। मैं आपको बताऊं तिलक जी, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई 10% से 12.36%, सर्विस टैक्स बढ़ाए 12.36% से 15%, प्लेटफॉर्म टिकट, मेट्रो फेयर, गैस सिलेंडर, दालें, पेट्रोल, डीजल तो एग्जाम्पल है ही, 150 रुपए ट्रांजेक्शन में से, क्राइम की बात करें तो क्राइम बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो बढ़ाने में एक्सपर्ट जो है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और आपका आपका चैनल का शुक्रगुजार मैं इसलिए हूं कि आपने रेफरेंसेस ले लेके जो है वो बात की और वो क्लिपिंग्स दिखाई हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी की, जो 2012 में वो खड़े हुए कह रहे थे कि आपने जो है क्यों बता दिया। अब डिफरेंस क्या होता है हमारी सरकार में उनकी सरकार में, मैं बताता हूं, क्योंकि ये नहीं बता पाएंगे। फॉर्मूला जी मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला था, आपने क्यों नहीं एंटर किया? हम तो लगातार बोल ही रहे तिलक जी, हम तो लगातार ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त 110% ड्यूटी दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल और डीजल पे ले रही है, मुंबई की बात करें तो 140% ड्यूटी अपनी जेब में रख रही है। हमारे टाइम पे अगर आप 2008-2009 की बात करते हैं तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की जो इम्पोर्ट होती थी वो होती थी $147 पर बैरल के ऊपर, जब 2015 और 2016 में कम हुए यानी $28 पर बैरल के ऊपर हुआ, $40 पर बैरल के ऊपर हुआ, हमारे में डिफरेंस जब था 2008-2009 में तब हम 50 रुपए 50.20 रुपीज के ऊपर जो है यानी आपने कहा कि हमने आज अगर आप ये देखेंगे 2015-2016 जब 28 रुपए तक केवल बैरल जो है तब भी भारतीय जनता पार्टी 60.48 रुपीज का जो है पर बैरल के ऊपर जो है पर मीटर पर लीटर के ऊपर जो है प्रॉफिट जो है वो ले रही है। एक सेकंड प्रोफेसर साहब, वाकई में 2014 से पहले महंगाई एक जुमला था जिसका जिक्र सैफ खान कर रहे हैं। जारी साहब फिर आपके पास आ रहा हूं, प्रोफेसर साहब। हाँ बोलिए सर। 2014 से पहले जुमला था सिर्फ महंगाई जिसका जिक्र सैफ खान कर रहे हैं। अरे तेल के दाम के साथ आप महंगाई सूची। आपका नाम प्रोफेसर साहब? प्रोफेसर साहब आप हैं विजय सर? प्रोफेसर साहब आप हैं नवीन जी? एक सेकंड बात रखने दीजिए ना प्रोफेसर साहब को, वो तो नॉन राजनीतिक हैं। एक सेकंड प्रोफेसर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही सर? हाँ बोलिए सर। मैंने कहा कि 2014 से पहले क्या महंगाई से जुमला था? मैं एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन नहीं सुन पा रहा हूँ, आवाज कट रही है आपकी बीच बीच सर। 2014 से पहले क्या सिर्फ जुमला था महंगाई जिसका जिक्र कांग्रेस के नेता कर रहे हैं? 2014 के पहले तो महंगाई थी, वाकई थी, और अगर आप सत्य जानना चाहते हैं तो उस समय सबसे बड़ा चैलेंज इन्फ्लेशन रेट था जी। लेकिन जब से 2014 के बाद से पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, लगभग इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $40-50 के बीच रही हैं, लेकिन इधर हाल के लगभग 5-6 महीनों में पेट्रोल की कीमतें अभी बढ़ के लगभग $80 पर बैरल हो गई हैं, जो बहुत बड़ी वृद्धि है। इससे कहीं ना कहीं असर पेट्रोल प्राइजेस से पड़ेगा और दाम बढ़ेंगे, क्योंकि अब ऑयल प्राइजेस एक तरह से डीलिंग हो गया है और ये मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं। गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत रोल है, जो
कंपनी से कह के कुछ समय तक अगर इलेक्शन है तो पेट्रोल प्राइसेस को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक गवर्नमेंट का रोल पेट्रोल प्राइसेस या डीजल प्राइसेस कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट अगर अपना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना चाहती है, जो कि 3.5% इन्होंने 3.2% रखा बजट में, तो ये मार पब्लिक को झेलनी पड़ेगी या गवर्नमेंट को फिर फिस्कल डेफिसिट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और उसके लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसका असर अगर प्राइसेस कम करते हैं, टैक्सेस कम करके, एक्साइज ड्यूटी कम करते हैं जैसे, या वैट कम करते हैं, तो फिर उस केस में फिस्कल डेफिसिट ना केवल सेंटर का बल्कि स्टेट गवर्नमेंट का भी बढ़ेगा, जो कि बहुत अच्छा पहलू नहीं है इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल करने में। ठीक, मैं कई महत्वपूर्ण फैक्टर है, मिश्रा जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि कई ये बात को भी है कि ये बात बार बार की जा रही है कि भाई हम विचार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, करके दिखाएंगे, लेकिन क्या इतना आसान हो पाएगा। मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा साहब, एक सेकंड, जरी साहब को भी चर्चा में जोड़ लें। जरी साहब, सरकार जो बातें दलीलें दे रही है, आपको लगता है कि पेट्रोल का खेल 2019 में भारी पड़ेगा इन पर? तिलक भाई, हम जिस देश में बैठ करके इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, वहां हमारे देश में एक ऐसी सरकार सत्तासीन है जिसका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं आप ही की टॉपिक पे हूँ, हो सकता है फिलहाल लगे आपको कि मैं टॉपिक से अलग हूँ, बहुत कम में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। वो पॉलिटिकल एजेंडा है सिंगल पार्टी सिंगल रूल का, और ऐसा करने के लिए कॉरपोरेट्स का साथ और खुला साथ बहुत ज़रूरी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। मिसाल के तौर पर मैं बता दूँ, इंटरनेशनल मार्केट के फ्लक्चुएशन का असर और देशों में भले पड़े, लेकिन हमारे यहाँ इंटरनेशनल मार्केट का फ्लक्चुएशन कहीं देखने को नहीं मिला है। आपने खुद भी उदाहरण दे दिया, मैं दोहराऊंगा नहीं उस बात को। एक बहुत साधारण सी बात है कि पूर्ववर्ती सरकार में 2014 से पहले जो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें थीं, और आज 2014 के बाद जो कीमतें, अगर हम सिर्फ उनका कंपेरिजन कर ले तो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी बढ़ा करके हमको 26 रुपए प्रति लीटर डीजल महंगा बिक रहा है और हमको 23 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल महंगा मिल रहा है। हम इसके बारे में बताना चाहेंगे सरकार से, ये प्रश्न हम नहीं पूछ रहे कि जो ये वृद्धि हुई है, जो 23 रुपए और 26 रुपए का डीजल या पेट्रोल महंगा बिक रहा है, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं पिछली सरकार के समय के इंटरनेशनल मार्केट्स में और मौजूदा सरकार के समय के इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये पैसा कहां गया? हम खुद सिद्ध कर देते हैं ये पैसा कहां गया। तीन सालों में नॉन प्रॉफिट एनपीए के अंदर 14 लाख करोड़ के तमाम बैंकिंग जो बकाए थे उनको डाल करके सीधे सीधे कॉर्पोरेट जगत के कर्जे को कम करा है। नहीं नहीं नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट। एक छोटा सा ब्रेक, नवीन जी, ये सिर्फ मुस्कुराने की बात नहीं है, जनता जवाब मांगेगी सर, ये मुस्कुराने की बात नहीं है, ये आंकड़ों का खेल। अभी एक सेकंड जैदी साहब, मैं समझ गया आपकी बात, मैंने पॉइंट ले लिया सर, मैं इसी पर चर्चा करूंगा ब्रेक के उस पार, ये पॉइंट ले लिया मैंने सर आपका। देखिए, कच्चे तेल के निर्धारण की वजह से ये हुआ है, कच्चे तेल का मूल्य जो निर्धारित होता है उसके अनुसार ही ये तेल का मूल्य तय होता है। और विरोध करने वाले या जो लोग भी, हमने अब सुना भी कि कांग्रेस के लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, अन्य लोग भी इसका, जो हमारे विरोधी दल हैं सपा बसपा के लोग भी विरोध कर रहे हैं। अब विरोध के लिए विरोध करना तो एक विषय है, लेकिन किन परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि होती है पहले उसकी नीति को समझना चाहिए। इन लोगों ने बेशर्मी का चादर ओढ़ लिया है, एक तरफ इस देश का किसान परेशान है, एक तरफ इस देश में पेट्रोल डीजल यूज करने वाले तमाम करोड़ों करोड़ लोग एकदम लाइफलाइन के रूप में हो चुकी है आज इस देश की पेट्रोल और डीजल, पूरी देश का जनमानस परेशान है, नौजवान परेशान है, और मोदी जो है वो खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और रूस में घूम रहे हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी मस्त हैं
और उत्तर प्रदेश और भारत की जनता पस्त है। किस तरह की राजनीति है? आप एक तरह से कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के जो प्राइजेस है वो डीरेगुलेट हमने कर दिए हैं, लेकिन जब चुनाव चलते हैं कर्नाटका के तो आप 19 दिन तक प्राइजेस नहीं बढ़ने देते हैं इस देश के अंदर, तो ये किस तरह की राजनीति है? जैसे चुनाव खत्म होते हैं तो प्राइजेस बढ़ने लगते हैं, और आप ही तो हो हल्ला मचाते थे ना 2014 से पहले कि प्रधानमंत्री पर बहुत तरह के आरोप लगते थे उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर, तो ये सारे के सारे जो चीज़ें आज हो रही हैं इसका जिम्मेदार तो फिर प्रधानमंत्री को ही होना। तो देखा आपने, ये सियासी बयान है जहां पर सीधे तौर पर अब मोदी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है कि क्या अब की बार 100 के पार पहुंचेगा आंकड़ा पेट्रोल का। सवाल कई हैं और उन सवालों के जवाब हम तलाश रहे हैं। मुद्दे की बात में आपको एक बार फिर से बता दें, जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सैफ खान जुड़े हुए हैं कांग्रेस की ओर से, एक मिश्रा एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, दोनों मेहमान नोएडा से जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं नवीन श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आवाज अली जहरी साहब जुड़े हुए हैं प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, प्रोफेसर अरविंद अवस्थी जुड़े हुए हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। यहां सवाल के जवाब इस वक्त देना बीजेपी की जिम्मेदारी भी है, लेकिन नवीन जी एक बात, एक वायरल चल रहा है सर, एक मैसेज वायरल ये है साहब फेसबुक व्हाट्सएप पर कि मोदी सरकार एक स्कीम शुरू करने वाली है पेट्रोल लोन के लिए। आप समझ रहे हैं मामले की गंभीरता को, और आप वो फॉर्मूला नहीं समझा पा रहे कि आप चुनाव के वक्त तो दाम रोक लेते हैं, चुनाव के बाद बढ़ा देते हैं, क्या इस बारे में कुछ ज्ञान बढ़ाएंगे हमारा? चावला जी देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र और विपक्ष के लोग लगातार बात कर रहे हैं, मैं अपने कांग्रेस के मित्र से एक चीज बस पूछना चाहता हूँ, थोड़ा मेरा उनका ज्ञान मुझसे बहुत ज्यादा है, मेरा ज्ञान थोड़ा कम है, और आपके साथ तकनीकी एक्सपर्ट भी वित्तीय बैठे हैं। 2003 में जब हमारी सरकार थी तो उसमें पेट्रोल के दाम थे 29 रुपए लीटर, और 2014 अप्रैल में जब सरकार इनके हाथ से गई उस समय पेट्रोल के दाम थे 73 रुपए, 29 रुपए से 73 रुपए, आज कितना है 80 रुपए, बीच में दाम घटे भी। पहला प्रश्न। दूसरा जवाब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब जब चूंकि दो दो आर्थिक विशेषज्ञ भी बैठे और आप खुद बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सर आंकड़ों में कमजोर हूँ मैं, जनता की बात समझ रहा हूँ, मैं गरीब जनता से बस ये जानना चाह रही है कि भैया दाम कम क्यों नहीं हुए, मैं ज्ञानी नहीं हूँ सर। सुन लीजिए जरा सा, देखिए भारत का जो तेल आयात होता है उसका 23% ईरान से होता है, और अमेरिकन प्रतिबंध के कारण ईरान से हम तेल ले जरूर रहे थे लेकिन ईरान को हम भुगतान नहीं कर रहे थे। आप मुझे आंकड़े गिना रहे थे, चलिए आंकड़े आंकड़े खेलते हैं सर, छोड़िए छोड़िए नवीन जी, आंकड़े आंकड़े खेलते हैं, छोड़िए अब मुद्दे पर आइए, अब आंकड़े आंकड़े खेलते हैं, उठाइए 2014 का आंकड़ा आप लेकर आए हैं, होमवर्क करके आए ना, उठाइए उठाइए, मैं चुनौती दे रहा हूँ आपको, आंकड़ा उठाइए उठाइए नवीन जी आंकड़ा, सर आप आंकड़ा उठाइए ना, मैं आंकड़े की बात कर रहा हूँ, आप आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, आप 2014 के आंकड़े का जिक्र करिए, चलिए ठीक है, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, देखिए 23% भारत का तेल ईरान से आता था और अमेरिकन प्रतिबंध के कारण ईरान से तेल तो हम लेते थे, उनको पैसा हमको नहीं देना होता था, हमारी सरकार आने के बाद खरबों रुपए का ईरान को हमने भुगतान किया, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, फिर भी हम यह स्वीकार कर रहे हैं कि तेल के दाम की कीमतों में कमी होनी चाहिए, उसके लिए जो संभव उपाय हो सकते हैं चाहे उसको जीएसटी के अंतर्गत ले आके या अन्य जो भी, वो हम सब कर रहे हैं। लेकिन मुझको आश्चर्य इस बात का है कि जिस पार्टी की सरकार में 29 रुपए से 73 रुपए तक तेल पहुंच गया वह पार्टी हमसे प्रश्न कर रही है, कांग्रेस के प्रश्न मित्र हमारे जवाब दे, 2003 नवंबर में पेट्रोल का कीमत 29 रुपए लीटर था और अप्रैल 2014 में 73 रुपए लीटर था, ये था या नहीं ये बताएं, अब बताएं कि क्यों समय ऐसा हुआ जो है। देखिए हमारी सरकार है, हमारा जनता के प्रति वायदा भी है, जनता के कल्याण के काम भी हमने करने हैं। अगर एक तर्क दिया जाता है तिलक जी कि तेल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से महंगाई बढ़ती है, आज आप देख लीजिए मुद्रास्फीति न्यूनतम पे है, थोक मूल्य सूचकांक न्यूनतम पे है, सर 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 एक मिश्रा लॉजिक के ऊपर, लॉजिक पे जवाब, एक सेकंड आ रहा हूं एक सेकंड, एक मिश्रा इस लॉजिक पे जवाब चाहूंगा आपका। नहीं नहीं चावला जी देखिए क्या है, ये डाटा वाटा बंद करिए, थोड़ा सा हम लॉजिक बात करते हैं। देखिए तेल पे आप डाटा देंगे तो हम सुनते रहे, अरे नवीन सर एक मिनट सुन लीजिए सर, पांच साल आप चार साल आप लोगों ने बोला है हमने सुना है, आज तो सुन लीजिए,
तेल एक ऐसी चीज है गवर्नमेंट के लिए, स्पेशली जब देखिए जब तेल के दाम कम थे तब भी गवर्नमेंट ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया, दो तीन तरीकों से केवल तेल पे अगर आप टैक्स बढ़ा दे, प्राइसेस बढ़ा दे। सर एक मिनट आप शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए ना, आपकी बात आ जाएगी सर, आपकी बात नवीन जी आपकी बात आ जाएगी इसी में, मैं आपकी नियत की बात कर रहा हूँ, सुनिए। नहीं नहीं प्लीज, तेल के तरीके से चावला जी, तेल के तरीके से गवर्नमेंट ऐसे प्रॉफिट कमा रही है जनता का खून चूस के, सुनिए आप बात सुनिए। एक मिश्रा साहब एक सेकंड सर एक सेकंड नवीन जी, 23% तेल ईरान से लेता था कि नहीं? नवीन जी एक सेकंड सर, नवीन जी एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, जनता आपको देख रही है। मैं बात का जवाब देना चाहता हूं, रखिए आप बात को, एक सेकंड साहब, एक मिश्रा अपनी बात पूरी करिए। सर देखिए चावला जी, मैं यही बोल रहा था कि तेल के प्राइसेस को गवर्नमेंट क्यों नहीं कम कर रही है, इनको रेवेन्यू जनरेट करना है, राजस्व इकट्ठा करना है, मैं मानता हूं। अब जीएसटी वगैरह लगाने के बाद भी इन्होंने देख लिया कि दुकान दुकान जाके सरकार की क्षमता नहीं है कि अंदर से वो राजस्व इकट्ठा करें, जो चोर लोग हैं उनसे राजस्व इकट्ठा करें, स्विस बैंक से जो पैसा है वो ले आके खजाना बढ़ाएं। तेल एक ऐसी मजबूरी है हर आदमी की कि अगर उस पे उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया तो मजबूरी में हर आदमी को वो टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए एक डबल फायदा गवर्नमेंट को क्या होता है कि तेल की प्राइसेस बढ़ी तो सारी चीजों की, सब्जी की, अनाज की, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो टैक्स भी बढ़ गया। यानी एक इतना अच्छा तरीका ये हमारे गवर्नमेंट को मिल गया है कि अगर आपको राजस्व इकट्ठा करना है तो जो और तरीके हैं उसमें तो आप कर नहीं पा रहे हो, फेल हो जा रहे हो, तो जनता मजबूर है तेल के हिसाब से, आप मल्टी लेयर में जो है राजस्व इकट्ठा कर लो, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ, आप जरा ये देखिए तेल कंपनियों के प्राइस जो होता है निर्धारण, उसमें कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, एक गवर्नमेंट है, एक कंपनीज है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर है। मैं ये बोलता हूं कि गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिनके पेट्रोल पंप है, जरा एक बार आरटीआई लगवा के ये भी देखा जाए कि वो पेट्रोल पंप किन लोगों के हैं, जो लॉबी है ये पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूटर की, उनको पर लीटर 3-4 रुपए का फायदा हो रहा है, और जितना लीटर वो दिन भर में बेचते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे बढ़िया तो सोने का अंडा देने वाली गवर्नमेंट, आज गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम को वेलफेयर की जगह पैसा कमाने का प्रोडक्ट बना लिया है, मोनोपोली बना लिया है गवर्नमेंट ने। जहरी साहब ने जो पॉइंट उठाया था ये वही पॉइंट है। मैं गवर्नमेंट से एक चीज और पूछना चाहता हूँ, पैसे बैंक में मत रखो जी, नोटबंदी आपने कर दी, जीएसटी लगा दिया, ये सारे मीजर्स आपके फेल हो गए, मेक इन इंडिया से आपको पैसा नहीं आ रहा है, सारी चीजें, अब पैसा कहां से आ रहा है, जहां जनता मजबूर है वहां पे टैक्स लगा दो। दूसरी चीज मैं और बोलना चाहूंगा तिलक जी, यहां पे थोड़ा सा मुझे एक मिनट का टाइम और दीजिएगा सर, प्लीज थोड़ा जल्दी सर। नहीं नहीं देखिए ये है क्या, मैं ये बोलता हूं, आप विरोधाभास देखिए इस गवर्नमेंट के, जो ये क्लेम करते हैं विकास का, एक तरफ इनका जो है राजस्व बढ़ता जा रहा है, एफडीआई बढ़ती जा रही है, सरकार के खजाने जीडीपी बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए डॉलर जो है नीचे नहीं आ रहा है, विरोधाभास देखिए क्या है। उसके बाद आप देखिए किसी के जेब में पैसे नहीं बचे, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, चीजें महंगी होती जा रही है, जब खुशहाली आती है, बैंक सरकार का खजाना बढ़ता है, देश का ग्रोथ होता है, जीडीपी बढ़ती है, तो लोगों को राहत मिलती है। यहाँ जैसे जैसे खजाना और जीडीपी बढ़ रही है, लोगों की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। नवीन ने कहा जो सीधी बात थी, उन्होंने कहा कि ये सरकार पे सवाल उठाने के लिए विपक्ष को 100 बार सोचना चाहिए, उनकी सरकार ने जो कुछ किया उसके आंकड़े भी वो याद दिलाए। मैं बताता हूं जल्दी से, मैं तिलक जी, इंटरनेशनल इस वक्त बेंचमार्क जो है वो 84.97 रुपीस जो है वो पर पेट्रोल के बैरल के ऊपर इस वक्त बेंचमार्क इंटरनेशनल, आप चाहे ये अभी जिक्र कर रहे थे ईरान से, आप चाहे कहीं से भी ले लीजिए, ये इंटरनेशनल बेंचमार्क है, डीजल का है 90। समझ रखिए, मैं समझ सकता हूं आपकी घबराहट जो है, इसके खत्म होने के बाद मैं आपसे पूछूंगा ये इंटरनेशनल बेंचमार्क बता दो, 90.28 रुपीस पर बैरल डीजल का है, ये इंटरनेशनल बेंचमार्क के रेट्स हैं, आप चाहे ईरान से लें या चाहे रशिया से लें। मैं इनसे ये भी पूछता हूं, जब हमारी सरकार में 147 डॉलर पर बैरल का रेट था, तब भी हम जनता को 50 रुपए यानी 50 रुपए 20 पैसे के ऊपर पर लीटर के ऊपर जो है वो पेट्रोल दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के 67% डिक्लाइन होने के बावजूद भी इंटरनेशनल के रेट क्रूड ऑयल के, तब भी जो रेट है हमें जो है सब 70 से ऊपर जो है नजर आ रहे हैं। तो यानी सरकार की मंशा, और इसका बहुत बड़ा सबूत यह है,
10 लाख करोड़। आज भारतीय जनता पार्टी ने एनसीए ने जनता के प्रॉफिट से अपने पास रख लिया है। मैं साथ साथ में ये भी बताना चाहूंगा, जब इनसे ये पूछा गया कि आप ये मुझे बताइए कि रुपी जब हमारा जो पैसा है, तिलक जी हमारा जो इंडियन रुपी है उसको वीक होने के बावजूद जो है वीक हुआ पर डॉलर के लिहाज से इम्पोर्ट जो ड्यूटी है वो और महंगा यानी और कॉस्टली हो गया। एक सेकंड बात करते हैं, एजुकेशन पे 4% सेस लगा दिया, जो है हेल्थ के ऊपर जो है आपने 4% सेस लगा दिया, यानी हर चीज हमें जो है महंगाई के ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। एक सेकंड, चाहे आप डालो, मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल दिया। प्लीज एक सेकंड जी, प्लीज नवीन श्रीवास्तव, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आप कितनी देर बोल सकते हैं? आप कितनी देर बोल सकते हैं? 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट अपनी पार्टी का पक्ष रखने आए हैं? प्लीज अगर आप बोलना चाहते हैं मैं आपको समय दे देता हूं, 2 मिनट तक बोलते रहिए, आप जितनी देर बोलना चाहते हैं बोलते रहिए। प्लीज अगर आप सुनना चाहते हैं तो सर दूसरों की बातों को भी सुनिए। जनता को भी बताना चाहते हैं कि जो बातें मैंने कही सर आप नहीं समझेंगे, मेरे भाई को पता है सर, सर आप नहीं समझे, विशेषज्ञ है, कोई पार्टी का प्रवक्ता है, मेरे प्रश्नों का भी तो जवाब दीजिए। सर आप प्रश्नों का जवाब देने आया है इस वक्त, आप सरकार में हैं और आप जिस आंकड़ों की दुहाई दे रहे थे, मैं आपको खुले तौर पर उस समय भी कहा कि आंकड़ों पर खेलते हैं, आंकड़ों पर आ जाइए, फिर आंकड़ों पर भी आइए। प्लीज एक सेकंड, नहीं तिलक जी मैं आंकड़ों पर आने के लिए तैयार हूँ, अगर ये इतना वो है तो मैं आंकड़े भी बता देता हूँ। 9 दिसंबर 2005। सर मैं इस बहस को डिरेल नहीं करना चाह रहा, प्लीज जी, जी प्लीज जैली साहब मैं आपके पास आऊं, लेकिन प्रोफेसर साहब ये जो सरकार दलील दे रही है, जब रेट कम थे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तब तो उन्होंने रेट कम नहीं किए। देखिए एक चीज, एक सेकंड रुकेगा सर, एक सेकंड प्रोफेसर साहब मैं आपको रोक रहा हूं, नवीन जी को जरा स्क्रीन पर लीजिए, आइए नवीन जी चलिए बात करते हैं, खुले तौर पर बात करेंगे, उठाइए आंकड़े, आंकड़े उठाइए, आप आंकड़े उठाइए नवीन कुमार। अरे मैं तो बता, 2014 से आइए 2014 से लीजिए, इनको स्क्रीन पर लीजिए, 2014 से अब तक कितनी ड्यूटी बढ़ाई आपने? सवाल का जवाब दीजिए नवीन श्रीवास्तव, 2014 से अब तक कितनी बार एक्सरसाइज ड्यूटी बढ़ाई, कितनी बार एक्सरसाइज ड्यूटी बढ़ाई बताएंगे? नहीं है आपके पास आंकड़े। 9 times तिलक जी, 9 मरतबा भारतीय जनता पार्टी ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। 2014 से अब तक कितने रुपए? खरबों रुपए के भुगतान पर कोई चर्चा नहीं। साहब नहीं, आप बताइए ना, उस पैसे का क्या किया आपने? उस पैसे का क्या किया उसका हिसाब बताइए। आप बताएंगे जब पेट्रोल का दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का कम था? सर अपनी बात रखिए प्रोफेसर साहब, नवीन जी प्लीज बीच में इंटरप्रेटमेंट कर लिया। एक मिनट, इंटरनेशनल मार्केट से डिटरमाइंड है, उसके प्राइस बहुत तेजी से बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं इंटरनेशनल मार्केट में। यहाँ पर जब प्राइस कम हुए थे इंटरनेशनल मार्केट में, तब अगर एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बना होता तो आज उसका इस्तेमाल कर सकते थे हम प्राइस कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने मिस कर दी। दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है, जो सरकार की एक अच्छी पॉलिसी थी, बायोफ्यूल पॉलिसी। बायोफ्यूल पॉलिसी में आप इथेनॉल मिला सकते हैं, 10% तक गवर्नमेंट का अपना नियम है कि 10% तक इथेनॉल मिला सकते हैं, और अभी गवर्नमेंट केवल 3% तक इथेनॉल मिला पा रही है क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंट है या जो भी है। अगर प्राइसेस हाई है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सरकार के लिए है कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग करे और 10% का जो टारगेट है वो अचीव कर ले। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह कहा 2030 तक वो 20% तक एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर सकती है, तो हाई प्राइस एक तरह से सरकार के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अभी कंट्रोल्ड है, 4.6% सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं, इसकी थ्योरी तो मैं समझूंगा एके मिश्रा साहब से, लेकिन क्या जैदी साहब जिस वक्त रेट कम थे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सरकार ने उस दौरान कमाया भी, लेकिन नवीन जी वो बता नहीं रहे कि वो पैसा कहां गया? देखिए मैंने तिलक भाई पहले भी कहा
कि दो वास्तविकताएं रखी मैंने, हो सकता है उनमें आपस में कोई तालमेल ना हो, मेरे ख्याल में तमाम यहाँ पे अर्थशास्त्र के तमाम विशेषज्ञ बैठे हैं, वो ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन एक वास्तविकता ये थी कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 40 और 42 डॉलर से भी कम हुई, उस वक्त भी हमारे यहाँ प्राइसेस एकदम स्टेबल थे, ना कम हुए और बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी रहा। दूसरी तरफ मात्र 3 सालों में, ये एक सरकारी आंकड़ा है कि एनपीए में डाल करके 17 लाख करोड़ रुपए, हमने इस पे एक आप ही के डिबेट में प्रश्न भी किया था कि इस देश के किसानों का टोटल बकाया है 12 लाख करोड़, अगर नॉन प्रॉफिट एसेट्स में डाल करके 17 लाख करोड़ का मुनाफा या लाभ सीधे सीधे कॉर्पोरेट जगत को न दिया गया होता तो आज इस देश का एक भी किसान कर्जदार नहीं रह जाता। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आज ये एक महज इत्तेफाक नहीं है कि जब गुजरात में चुनाव हुआ तो 1 से 15 दिन के बीच में रोज इंडियन ऑयल ने 1 पैसे से 3 पैसे तक लगातार कमी करती रही। गुजरात में पोल हो गया, एकदम से स्टेबिलिटी टूट गई और वो एकदम से बढ़ गई। अब अप्रैल में जब ये न्यूक्लियर क्राइसिस शुरू हुई और अमेरिका ने ईरान से रिश्ते तर्क और क्राइसिस से अपने को विड्रॉ किया, अगर हम ईरान का ही तर्क लेते हैं कि हम वहां से लेते हैं, तो अप्रैल से ये शुरू हुई क्राइसिस मई तक इफेक्ट नहीं डाल पाई क्योंकि कर्नाटका में चुनाव था। अब सवाल यहाँ पे ये है, सरकार, ये एक गंभीर मुद्दा है, हम सिर्फ सरकार को घेरने के लिए नहीं बैठे हैं, हम सरकार को मशवरा देने के लिए भी बैठे हैं, एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से हम मशवरा नहीं देंगे, हम मांग करते हैं कि आप इसको जीएसटी के दायरे में लेके आइए। ठीक, जवाब, लॉजिकली जवाब नवीन जी, जल्दी से, फिर एक मिनट आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से जवाब दीजिए नवीन श्रीवास्तव, लॉजिकली जवाब दीजिएगा, आरोप नहीं। तिलक जी, निश्चित रूप से जो हमारे मित्र ने एक सुझाव दिया है सपा मित्र ने, उस पर हम विचार कर रहे हैं जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत अगली बैठक में इसको ले आके, ताकि विभिन्न राज्यों में तेल की कीमतों में जो फर्क है उसको पहले नियंत्रित किया जा सके। आपके फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थ्योरी समझा रहे थे जिस वक्त रेट कम हुआ था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो बैकबोन मजबूत करने की बात करते। एके मिश्रा, स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जिक्र किया, पहले क्यों नहीं दिखाइए और पूरी दुनिया में कीमतें गिर रही थी और हम रियायत देने को तैयार नहीं थे, आप स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, शुरू में गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्लान ले आए, एफडीआई को अट्रैक्ट करने के सारे प्लान थे, इंडिजीनस ग्रोथ के, इंडस्ट्रीज के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के प्लान थे, और प्लान इसलिए थे कि इन सब से मिलके पूरा जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका पाई चार्ट जो है पूरा का जाकर के कंप्लीट होगा। हुआ क्या, स्मार्ट फाइनेंस, मुझे लगता है मेक इन इंडिया से अब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, एफडीआई से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, नोटबंदी से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, जीएसटी भी फेल हो गई रेवेन्यू जनरेट करने में, जो गवर्नमेंट को पूरा खर्चा चलाने के लिए चाहिए। तो सबसे सस्ता क्या है कि गवर्नमेंट, जनता मजबूर है पेट्रोल लेने के लिए, तो गवर्नमेंट को बैठे बिठाए क्या है, आप क्यों टैक्स कम करो, क्यों सस्ते, जब पेट्रोल के दाम सस्ते थे क्रूड ऑयल के तब भी इन्होंने नहीं किया, तो इससे बढ़िया फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि बिना कुछ किए हुए आप जनता के बचे हुए जो जेब में पैसे हैं पेट्रोल के दाम बढ़ा दो। सही बात है, मैं मिश्रा जी की बात को, सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही है कि एक जगह आप रेवेन्यू जनरेट कर लो, बाकी की देखिए, हेल्दी रेवेन्यू जनरेशन का जो तरीका होता है डिफेंस सेगमेंट से होना चाहिए, आपको रेवेन्यू एक्सपोर्ट जनरेशन से करना चाहिए, वो सब चीजें लगता है जो फेल हो गई है, वो चीजें यहाँ पे जाके पेट्रोल पे, पेट्रोल से रेवेन्यू जनरेट कर लो, बाकी सब चीजें फेल हो गई है। ये है स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक सेकंड, कि एक ही जगह से पूरे देश का रेवेन्यू जनरेट हो जा रहा है, एक सेकंड, जीएसटी में क्यों करेंगे सर, जीएसटी में करने से पूरी लॉबी और गवर्नमेंट को घाटा है, तो ग्रोथ कैसे दिखाएंगे अगर जीएसटी में ले जाएंगे तो 22 जगहों पे 23 जगहों पे सरकार आती है और जीएसटी भी नहीं हो पाया। एक सेकंड साथ में आपके पास आ रहा हूं, नवीन श्रीवास्तव कहना क्या चाह रहे हैं, जब रेट कम हुआ था अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसका लॉजिक दीजिए, वो पैसा कहां गया, कि जीडीपी का 3% पेट्रोलियम के राजस्व से आता है, हमारी सरकार किसानी 3.7% सर पेट्रोलियम से आता है, जीडीपी का 3.7% कंट्रीब्यूशन है सर, 3.7%, ठीक है, बढ़िया, आपको रेवेन्यू जनरेट करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है, लेकिन इंडिया से आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हो, एफडीआई से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हो, बाकी सारे सेक्टर से आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करोगे, ऐसा नहीं, आप रेवेन्यू जनरेट वहीं से करोगे जहां पे जनता, मतलब जनता के गर्दन पे आप तलवार रख करके रेवेन्यू
जनता मजबूर है पेट्रोल के लिए। एक मिश्रा एक सेकंड नवीन श्रीवास्तव सर, प्लीज एक सेकंड। नहीं नवीन श्रीवास्तव, जो आपके पक्ष में बोले वो राष्ट्रभक्त हो जाता है, जो सवाल उठाए वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है। सर एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए पेट्रोल क्यों? बाकी सारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेशन के प्रोग्राम फ्लॉप हो गए हैं। आप मुझे केवल इसी चीज का जवाब दीजिए, इतना एम्बिशियस प्लान था क्या हुआ होगा? साहब कान फॉर्मूला बताइए, रेवेन्यू जनरेशन आपकी सरकार के पास नहीं था और विपक्ष में रहकर आपके पास आ गया। नवीन श्रीवास्तव का ऑडियो कम करिए प्लीज। तिलक जी सबसे पहले ऑडियो कम करिए, नवीन श्रीवास्तव का ऑडियो कम करिए प्लीज। तिलक जी सबसे पहली चीज, आज जीएसटी जब इन्होंने लागू किया है, आज हम ये कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल आप जीएसटी के अंडर ले लो, वो क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि 28% टैक्स लगने के बावजूद भी आज जो प्रेजेंट रेट है उससे वो कम, बहुत कम होगा। दूसरी चीज, अब जीएसटी के लिए इनके जो सुशील मोदी हैं बिहार के डिप्यूटी सीएम, वो कहते हैं हम जो है जीएसटी में नहीं लाने देंगे। फिर सुभाष चंद्र गर्ग जो है इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, मैं बहुत अहम फॉर्मूला बताइए तिलक जी, आपको बता रहा हूं, बहुत अहम वो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल और डीजल पे बिल्कुल नहीं कट करेगी। फॉर्मूला नहीं है ना आप लोगों के पास? फॉर्मूला है तो बताइए जल्दी से। नहीं फॉर्मूला कौन सा चाहिए बताइए, कौन सा रेट कम करने का फॉर्मूला बताइए ना आप। अगर आप कह रहे कि रेट कम होना चाहिए, आपके पास कोई फॉर्मूला है? नहीं बिल्कुल फॉर्मूला है रेट कम करने का, रेट कम करने का अगर आप बोलते हैं तो मैं बताता हूँ ना रेट कम करने का फॉर्मूला क्या है। जल्दी से एक मिश्रा जल्दी नहीं, देखिए रेट कम करने का फॉर्मूला ये है, यहाँ पे जो अभी करंट गवर्नमेंट एक प्रतिबद्ध है कि जी सबसे सस्ता तरीका यही है तो इसी पे लगाओ, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना चाहिए, एक रिजर्व फंड रखना चाहिए कि अगर प्राइसेस बहुत हाई होते हैं तो हम कंसेशन देकर इस चीज को मैनेज करें। तिलक जी एक सेक्टर से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, सारे सेक्टर से हमने वही फॉर्मूला, आप अभी फॉर्मूला का जिक्र कर रहे थे 147 रुपीज का जब हम इंपोर्ट कर रहे थे तो फॉर्मूला क्या था, हम 50 रुपए में तेल दे रहे थे, आज जो है इंटरनेशनल बेंचमार्क 80 रुपए का है, आज मगर फॉर्मूला जो है ये इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी से फॉर्मूला आप हमारा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। मैं कार्यक्रम यही खत्म करूँ एक सेकंड प्रोफेसर साहब, मैं उसी बैकबोन का जिक्र कर रहा हूँ, जब पेट्रोल के डीजल के दाम कम हुए तब उस वक्त ये पैसा जो राज्य सरकारों को दिया गया 7th पे कमीशन के लिए, ये बैकबोन कैसे मजबूत होगी? फाइनल कमेंट जल्दी से प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब आपसे सवाल है, आवाज नहीं पहुंची जल्दी साहब, मेरा सवाल यही आपसे है, कैसे बैकबोन मजबूत होगी सर? जी देखिए निश्चित तौर पर इसको टैक्स में जो हमारी जो ड्यूटी में लगातार जो बढ़ोतरी हुई है 103% डीजल में 330%, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना होगा कि अपने पॉलिटिकल एजेंडास के साथ साथ देश की जनता खासतौर पे किसान ये सीधे सीधे पेट्रोलियम पे पदार्थों पे निर्भर करता है, तो सरकार को कहीं ना कहीं जैसे कि अर्थशास्त्री साहब कह रहे थे कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन के लिए कोई रास्ता इसमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, चुनाव का इंतजार करते हैं सर, एमपी और राजस्थान के चुनाव आएंगे फिर नवीन जी कहेंगे कि देखिए साहब हमने रेट स्टेबल कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी का मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तकनीकी दिक्कत की वजह से आपके पास नहीं आ पाया। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन श्रीवास्तव जी, आपने अपनी बात को जिस अंदाज में रखा जनता समझ रही थी। जैदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ए के मिश्रा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सैफ खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुद्दे की बात यह कि पेट्रोल इतना महंगा आखिरकार क्यों? मुद्दे की बात में कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे मुद्दों के साथ। मुझे दीदी आजाद नमस्कार, जय हिंद जय भारत।